वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं अगले जो क्षेत्रीय संगठन है उनके बारे में। तो कल हमने जैसे कि G20 से लेकर कुछ क्षेत्रीय संस्थान या वैश्विक संस्थान कवर किए हुए थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यस, हमारा ये है सार्क, ठीक है। सार्क में कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री हैं। टोटल कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री। इसका फुल नेम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, राइट। 3 टाइम बोलो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऐसे मन में 3 बार बोलो, याद हो जाएगा सार्क की फुल फॉर्म, राइट। अच्छा, इसमें सदस्य कितने देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिणी एशिया के 8 देश, जो दक्षिणी एशिया है उसके कितने देश हैं? 8 देशों का क्या है? आर्थिक और राजनीतिक संगठन, आर्थिक और राजनीतिक संगठन। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि सबसे बड़ी, अगर अभी वर्तमान में देखें तो अभी वैसे चाइना की बात की जाती है कि चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अब जो नया सेंसस आने वाला है उसमें शायद इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो गई, तो विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसीलिए इंडिया शामिल है और भी कंट्री शामिल हैं, इसलिए ये जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है, क्योंकि जनसंख्या है तो बहुत सारे इकोनॉमी या फिर हम कहें यहाँ पर देखो एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होते हैं? डिमांड ज़्यादा होती है, और डिमांड ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या होगा? अवसर होंगे, मतलब बड़ा मार्केट बन जाएगा। इसीलिए इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और सबसे तेज़ी गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, अभी 5 नंबर पर जो है। तो अच्छा, इसकी सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को, याद कर लो। इसमें सदस्य देश कौन से हैं? देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, ठीक है। तो कितने टोटल हो गए? 8 कंट्री हो गए। भारत तो भाई, पाकिस्तान, अफगान, ऐसे क्लॉकवाइज चलो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, तो क्लॉकवाइज अगर आप जाओगे तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो कितने देश हैं? 8 देश हैं। 8 देश, 8 दिसंबर, तो 8-8 से आप क्या याद रख सकते हो कि 8-8 तारीख, 8 मतलब तारीख, 8 तारीख को हमें 8 दिसंबर को याद रख सकते हैं, 8 दिसंबर 1985 में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। किसकी कैपिटल है ये? ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, तो ढाका क्या है इसकी कैपिटल? किसकी? बांग्लादेश की, राइट। तो इसका फुल नाम क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 8 सदस्य हैं। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ठीक है। भारत इसमें शामिल है। इस तरीके से इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत काफ़ी है। अब आते हैं नेक्स्ट संगठन पर। तो अगला संगठन है हमारा, अगला संगठन है इस्लामी सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो देखो, इस्लामिक कोऑपरेशन, आप मैप पर देख रहे होंगे कि ये यहाँ से देखो इंडिया के, मतलब पाकिस्तान से लेकर के पूरा मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और रशियन कंट्री का ये वाला पार्ट, तो खैर नहीं, जो जो मेंबर स्टेट हैं इस्लामिक स्टेट्स के, तो जो ग्रीन पार्ट है
जिसमें इंडिया के वेस्ट से लेकर पूरा मिडल ईस्ट, सॉरी मिडल ईस्ट ये वाला पार्ट, या वेस्ट एशिया, और मिडल ईस्ट कौन कौन सा पार्ट होता है ये वाला मिडल ईस्ट कहलाता है, अफ्रीका का कुछ पार्ट और कुछ वेस्ट एशिया का पार्ट तो भी मिडल ईस्ट होता है। तो ये वेस्ट एशिया और मिडल मध्य एशिया और अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, तो नॉर्दर्न अफ्रीका और ये कुछ जो हैं इसके तटीय कंट्री हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडोनेशिया भी इसी में शामिल है और बांग्लादेश। तो ये यहाँ पर इस्लामिक कंट्री हैं, जो भी इस्लामिक कंट्री हैं उनसे मिलकर बनाया गया है इस्लामी सहयोग संगठन। क्या बनाया गया है? इस्लामी सहयोग संगठन। तो इस्लामी सहयोग संगठन, चलो इस्लामी सहयोग संगठन क्या है? इस्लामी देशों के मध्य सभी विषयों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए औपचारिक नाम, इसका औपचार मतलब जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इसको स्थापित किया गया है। इसका औपचारिक नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन डी ला कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला कोऑपरेशन इस्लामिक, ठीक है, विकिपीडिया से ये लिया था मैंने। मुख्यालय क्या है इसका? जिद्दा। कहाँ है मुख्यालय? जिद्दा सऊदी अरब। तो इस्लामिक ओआईसी का, ओआईसी से क्या बोलते हैं? ओआईसी। तो इसकी मुख्यालय कहाँ? जिद्दा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर 1969, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन। देखो यूएन के बाद कोई दूसरा बड़ा देशों का संगठन है तो वो इस्लामिक संगठन ही है। सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? द्वितीय सबसे बड़ा अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, अंतर गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने स्टेट हैं टोटल? 57 स्टेट। कितने स्टेट हैं? 57 स्टेट, ठीक है। ये क्या है? ये मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी आवाज़ को ये बढ़ावा देता है, मतलब उसको इंश्योर करता है। वर्ल्ड जो ओआईसी है उसका क्या है कि मतलब सभी को मिलकर, सभी मुस्लिम कंट्रियों को मिलकर इनके लिए सेफ गार्ड, इंश्योर द सेफ गार्ड एंड इनके कुछ हित हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशियो एंड पॉलिटिकल एरिया। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अगर कोई हित है, ठीक है, हित हो या इनके लिए कोई मतलब ज़रूरी सेफ गार्ड्स हों, तो उनके लिए कोई अगर ये आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ जिस सब मिलके उठाते हैं, क्या उठाते हैं? सभी कंट्री मिलकर उठाते हैं, तो मुस्लिमों की मांग, जो मुस्लिमों की मांग है उनको पूरी करने के लिए एक संगठन की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए उन्होंने इसको बनाया 25 सितंबर 1969 को। और ये पूरे इस्लामिक जो कंट्री है उनकी एक संयुक्त आवाज़ को हम कहें कि प्रोत्साहित करती है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक हो, या उनके आर्थिक या राजनीतिक किसी भी क्षेत्र की बात हो, तो ये सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं। विश्व बंधुत्व की जो भावना आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं, जैसे रशियन है, इधर ये अफ्रीकन है और ये थाईलैंड है। तो इस प्रकार से ये कुछ कंट्री हैं, यहाँ पर कुछ जो हैं यूरोप के कंट्री हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके ऑब्जर्विंग हैं और सस्पेंडेड स्टेट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन का जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है लेबनान वगैरह, तो यहाँ पर जो एरिया है जॉर्जिया, आर्मेनिया, तो वो वाले स्टेट जो हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं? वो स्टेट, सॉरी जॉर्जिया नहीं, यहाँ सीरिया का पार्ट है कुछ और लेबनान है, तो वो हमारे सस्पेंडेड स्टेट हैं, मतलब ये पहले इस्लामिक संगठन में शामिल थे लेकिन उन्हें सस्पेंडेड कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो तीन प्रकार के इस्लामिक कंट्री हो गए, और कुछ हो गए इसके ऑब्जर्वर, और कुछ सस्पेंडेड कंट्रीज हो गए, राइट। तो इस प्रकार से इस्लामी क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट,
नेक्स्ट है IOR, ARC, इंडियन ओशियन, एक मिनट, हाँ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, तो आई से फॉर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो IOR क्या है, ये जो हमारा हिंद महासागर है, ये इतना सारा बड़ा सा हिंद महासागर है, जो इसका जो पार्ट है, इससे जो कंट्री लगे हुए हैं उनको मिला के रिम बनाई गई है। क्या बनाई गई है? रिम बनाई गई है, रिम, ठीक है। तो रिम, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को मिला के क्या बनाया गया है, मेंबर ऑफ मतलब IOR बनाया गया है, IOR ARC बोलते हैं। हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंद महासागर तटीय सहयोग, हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ, यह संघ क्षेत्रीय सहयोग और अंतर महाद्वीपीय व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से हिंद महासागर के तीन प्रायद्वीपों यानी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाता है। जो रिम एसोसिएशन है, मतलब IOR जो संगठन है, इसमें आप देखते हो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को मिला के ही साझा करता है ये। मतलब ये क्या करता है, एक मंच पर लाता है एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को। कौन से देश? प्रायद्वीप, इन तीनों देशों के प्रायद्वीप, हिंद महासागर के प्रायद्वीपीय देश जो हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉरीशस। कहाँ है मुख्यालय? मॉरीशस, ठीक है। A1 साइबर सिटी कहाँ है? मॉरीशस में है, राइट। प्रकार क्या है? ये अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल। सदस्य देश कितने हैं? 21 सदस्य हैं। स्थापना कब हुई थी? 6 मार्च 1997, 6 मार्च 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर संघ बनाया गया था, ठीक है। तो क्या है IOR? क्या है? हिंद महासागर के जो प्रायद्वीपीय देशों के जो कंट्री लगे हुए हैं, तटीय देश हैं, उनको मिलाकर क्या बनाया गया है? IOR बनाया गया है, ओशियन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बनाया गया है, जिसमें 21 देश हैं और इनका मुख्यालय मॉरिशस है, ठीक है। अंतर सरकारी संगठन है। इतनी चीज़ें याद रख ली, देयर सिर सफिशियंट, ठीक है। और इसमें मैंने G20 का लाभ आपको बता ही दिया था। हाँ, अब आते हैं हम किस पर, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स, इसके बारे में जान लेते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, तो जो गल्फ कंट्री हैं, ठीक है, गल्फ कंट्री कौन से हैं? ये वाली, राइट। तो अच्छा, इसकी ये खाड़ी सहयोग परिषद, यह संगठन फारस की खाड़ी से घिरे देशों का क्या है? एक क्षेत्रीय समूह है। जो फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ ये दिख रहा होगा आपको, पर्शियन गल्फ, तो इसके जो सदस्य हैं यहाँ पर, उन देशों को मिलाकर क्या बनाया गया है? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बनाया गया है। ये क्या है? फारस की खाड़ी से घिरे देशों का ये क्या है? क्षेत्रीय समूह है। इसमें कौन कौन से देश हैं? बहरीन है, कुवैत, यहाँ पर देखो नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं, ठीक है। तो ये कुवैत है, सबसे पहले क्या है? कुवैत, फिर बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, कतर, दोहा कैपिटल, अबू धाबी, UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी, ओमान, और अच्छा ओमान के बारे में ये है, देखो एक तो यहाँ पर छोटा सा पार्ट है ओमान का, और ये यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, और UAE को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड यूनाइटेड अरब अमीरात,
ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सऊदी अरब के रियाद सिटी में। कहाँ पर है? जो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? इसका मुख्यालय बनाया गया है सऊदी अरब का, राइट। स्थापना कब हुई थी इसकी? 25 मई 1981 को। कब हुई? 25 मई 1981 को। कहाँ हुई थी? अबू धाबी मॉरिशस में। संयुक्त अरब अमीरात मुख्यालय रियाद, देख लिया। संस्थापक सऊदी अरब अमीरात और सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। तो यूएई, सऊदी अरब और कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। तो ये हो गया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अच्छा, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कभी कभी ना कभी ना कभी ये चर्चा में बने ही रहते हैं न्यूज़पेपर में। तो हमें ये क्षेत्रीय सहयोग के बारे में, मतलब जो भी संगठन है उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए कि ये गल्फ कोऑपरेशन की बात हो रही है तो पता हो जाए हाँ ये कहाँ से है। सार्क की बात हो रही तो ये पता होना चाहिए, बिम्सटेक की बात हो रही है या आसियान की बात हो रही है या G20 की बात हो रही हो या यूएन की, किसी भी यूएन यूएन हो रहा, यूएन को भी हम डील करेंगे एक दिन। तो इसके बारे में ये क्षेत्रीय जो सहयोग संगठन है जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम और मेंस में, MPPSC की विशेषता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मीना कंट्री, मीना कंट्री, अच्छा ये इसको एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, पहले मीना कंट्री का बात करते हैं। अच्छा चलो इसको कवर कर लेते हैं। अरब लीग, ये क्या है? अरब राज्यों का अरब लीग, मतलब अरब लीग जो अरब राज्यों का लीग है उसे क्या बोलते हैं? अरब लीग बोलते हैं। ठीक है, जो अरब कंट्री, जो अरब कंट्री हैं उनको क्या बोलते हैं? जो अरब लीग में से, जो अरब राज्यों का लीग। अरब क्या है कि सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के नेतृत्व में क्या बनाई गई थी? अरब लीग बनाई गई थी। इसी के नेतृत्व में जो लीग बनाई गई थी उसी को इस क्या बोलते हैं? अरब लीग कहा जाता है। यह क्या है? यह है उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी एशिया के अरब राज्यों का क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी। 6 सदस्यों के देशों के साथ यह संगठन के क्या गया था? गठन किया गया था, जिसमें काहरा, जॉर्डन, मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया शामिल है। देखिए, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट यानी मिस्र, सऊदी अरब और एमन, ये कंट्री मिला के क्या बनाया जाता है? अरब लीग। स्थापना 25 मार्च 1945 को मिस्र में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? काहिरा, मिस्र में ही है। ठीक है, और बाद में ये कंट्री जोड़ दिए गए हैं उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोनाको, और जो सूडान, अब तो इसको पार्ट में कर दिया, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान, सोमालिया और ओमान। ठीक है, कतर, दोहा कैपिटल है इसका। तो इनको मिला के क्या बनाया गया है? अरब लीग बनाया गया है। ठीक है, मीना कंट्री, तो मीना कंट्री क्या है ये भी देख लेते हैं। मीना, मीना का क्या है? मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का जिक्र करता है। जो मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, तो मध्य पूर्व,
तो मैंने बताया था ये मध्य पूर्व है, मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्री हैं वो कौन से हैं, ये वाले हैं मिडिल ईस्ट, और नॉर्थ अफ्रीका। तो नॉर्थ अफ्रीका को मिला दें ये, तो क्या बन जाता है, मीना कंट्री, यानी मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। इसको वैकल्पिक रूप से क्या कहा जाता है, वाना कहा जाता है, जो बड़े पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का जिक्र करता है, बस सिंपली मीना, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को मिला के बनाया गया है। ये हमारा ये है यूरोप, यूरोप का यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इसे हम अगले कल कवर कर लेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।